मेस मिठा चारा फिर मन सिखा पदिंग समाधियामी बचपन में जब हम छोटे थे तो खास तौर से ठंड के दिनों में या गर्मियों में ऊपर छत के ऊपर, क्योंकि चांदनी रोशनी में हम ऊपर सोया करते थे, तो समय होता था, फ्री होते थे, वहां हम अपने किसी बड़े से कोई कहानी सुनते थे कि हमें कहानी सुनाओ। मनोरंजन का और ज्ञान का सबसे उत्तम साधन भारत में यही रहा है, यानी कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो अपना एक्सपीरियंस सुनाते थे कहानी के थ्रू। कहानी सारी की सारी भगवान बुद्ध के समय के बाद बनी है, जिनको हम आज के समय में पंचशील की कहानी या पंचतंत्र की कहानी या पंचतंत्र की बोलते हैं, यानी पांच सीलों की कहानी बोलते हैं। और ये सारी कहानी भगवान बुद्ध की बड़ी महत्वपूर्ण है, जो कि सारी जातक कथाओं के नाम से, यानी उत्पत्ति कथाओं के नाम से, जातक कथा मतलब जो उत्पत्ति होती है उनकी कहानियों के नाम से है। दो चार कहानी मैंने बताई भी है और मैं धीरे धीरे आपको बताता भी रहूंगा। तो जब हम कहानी सुना करते थे तो जब सुनाने वाला थक जाता था और ये सोचता था कि अरे ये बच्चे तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे, तो वो एक ऐसी कहानी सुनाता था, डरावनी कहानी। और वो डरावनी कहानी सुनने के बाद में हम डर जाते थे और दुबक के सो जाते थे। दरअसल हम उस डरावनी कहानी की कल्पना में बहना शुरू हो जाते थे और डर को महसूस करते थे। और डरावनी कहानी के लिए सबसे आसान तरीका था भूत, यानी भूत एक ऐसी काल्पनिक वस्तु थी जो हमारे मन और मस्तिष्क में डाली गई थी। कई बार पिक्चरों से हमारे ऊपर आई थी, कई बार जो कहानियां होती थी भूत कथाएं या भूत प्रेत की कथाएं उनको हम पढ़ लिया करते थे, या अक्सर यार दोस्तों में भूत का जिक्र होता था, जो समझ में नहीं आया वो भूत हो गया। हालांकि हमारे जो पिता थे उन्होंने बचपन से हमें बताया हुआ था कि कहीं कोई भूत नहीं होता। कई बार हमारे यहाँ एक पीपल का पेड़ था हमारे खेत में बहुत बड़ा, तो बच्चे कहा करते थे कि इस पीपल के पेड़ पे भूत रहता है। हमारे पिता ने कहा था कि जब भी कोई ऐसा कहे तो उससे कहना कि लाख कितने पैसे देगा, मैं किसी भी समय वहां चलने के लिए तैयार हूं। तो आज तक कोई लेके गया नहीं और ना ही किसी ने पैसे दिए, यानी भूत का तो उसी समय मामला क्लियर हो गया था कि भूत कहीं है नहीं। मगर भूत शब्द क्या है और कैसे भूत शब्द बना और भूत क्या होता है क्या नहीं, भूत और प्रेत पाली के अंदर, प्रेत का मतलब होता है पेत, पेत होता है वो जो खराब जन्म जिनका होता है, जिन मनुष्य का जन्म खराब होता है, अच्छा नहीं होता है, शरीर खराब होता है, मन खराब होता है, उनको पेत बोलते हैं। और भूत जो होता है उसको बोलते हैं जो पास्ट होता है, जो बीत गया होता है, जो जा चुका होता है, उसको भूत बोलते हैं। यानी वैसा समय, वैसी यादें, वैसी चीजें जो जा चुकी हैं, यानी कि कल जो बात मेरे साथ हुई है आज मेरे लिए वो सारी बातें भूत हो गई। कल जो मेरे साथ लोग थे अगर वो जा चुके हैं, चले गए हैं, या तो मर गए हैं या वो कहीं जा चुके हैं, तो वो मेरे लिए भूत हो गए। अभी मैं आपके सामने बैठा हूं तो ये मेरा प्रेजेंट है, ये मेरा पूरी तरह से प्रेजेंट है, जो चल रहा है, जो लगातार चल रहा है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर होगा जो आएगा। यानी एक हो गया अनागत हो गया, एक अतीत हो गया, और एक हो गया प्रति उत्पन्न यानी प्रेजेंट हो गया। तो अतीता हो गया, अनागत हो गया, अनागत का मतलब है जो अभी आया नहीं है, और अतीत का मतलब है जो बीत चुका है, और पचुपन्ना का मतलब है जो प्रेजेंट मर है। तो यानी कि भूत शब्द है क्या, बेसिकली स्पष्ट है कि जो जा चुका है वो भूत है, जो बीत चुका है वो भूत है। तो हमारे मन के अंदर, मेमोरी के अंदर बहुत सारी यादें पिछली हैं। दो तरह की यादें अक्सर होती हैं, या तो जो हमने फ्यूचर में प्लान बनाए हुए हैं उनकी कल्पनाएं होती हैं, या जो बीत चुका है वो बातें होती हैं। यानी कल्पनाएं हम बना सकते हैं, कल्पना में हम जहाज में उड़ सकते हैं, वो भी हमारे इम्प्रिंट मेमोरी में हो जाता है, और जहां हम जहाज में बैठ के आए हैं वो मेमोरी भी हो जाती है, और अगर हम अभी जहाज में बैठे हैं तो वो लगातार मेमोरी चलती रहती है, बढ़ती रहती है। तो भूत बहुत इजी शब्द है, आसान है। भूत को कहते हैं पीछा नहीं छोड़ता, तो बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ेगा अगर आप उसको याद करेंगे तो, यानी जो बीत गया है अगर आप उसको बार बार याद करेंगे तो वो रिपीट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और पीछा छोड़ सकता है अगर आप उसको याद करना बंद कर दें, अगर आप याद करना बंद कर देंगे पिछला वाला तो वो पीछा छोड़ देता है। इसलिए भूत हमेशा पीछा भी छोड़ देते हैं और भूत पीछा छोड़ते भी नहीं है, ये आपके ऊपर है। मगर कोई भी ऐसी शक्ति जिसको
किताबों में, उपन्यासों में या भूत प्रेत की कहानियों में या पिक्चरों में दिखाया जाता है कि कोई आकृति है और वो कोई शक्तिशाली है और वो कोई काम करती है और वो लोगों को मार देती है और वो ऐसा करती है। ये सब कल्पना की बातें हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितने लोग मरे हैं वो सारे लोग चाइना के बॉर्डर पे चले जाते या सारे लोग अमेरिका में चले जाते और अमेरिका से कुछ हमारा भला कर लेते या चाइना से हमारी जमीन को छुड़वा लेते या हमारे देश का बंटवारा नहीं होने देते, या जो लोग भारत के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जो भारत में कम तोलते हैं, भारत में नुकसान करते हैं या मजदूरों का शोषण करते हैं या गरीबी बढ़ाते हैं या गरीब लोगों का खून चूसते हैं या जो भ्रष्टाचारी हैं या जो यहाँ लोगों का वोट लेने के बाद में उसको बेच देते हैं, ये सारे जितने लोग हैं जो मिलावटखोर हैं, जैसे दूध में और घी में, चने में, सब्जी में, इसमें मिलावट करते हैं, इन सबको वो भूत दंड देते क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान कहलाए जाते हैं, जैसा कि कहानियों में उपन्यासों में दिमाग में डाला जाता है। दरअसल जानवरों के भूत भी होते हैं, मगर आपने आज तक कोई जानवरों का भूत देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा कि फलाने व्यक्ति में कोई भूत जानवर का आया है। जब भी किसी व्यक्ति में कोई भूत आता है, किसी नोन का ही आता है, यानी कि वो अपने किसी रिश्तेदार के बारे में अच्छी तरह से जानता है, उसको बार बार रिपीट करता है और ये मनोवैज्ञानिक कारण है कि वो रिपीट होते होते उसकी मेमोरी में स्ट्रांग होके वो सामने निकल आता है। उसको कहते हैं कि पुरानी यादें, यानी जो भूत हैं वो इस पे हावी हो गई और वो आ गई। तो भूत जैसी जो चीज है वो स्पष्ट है पाली के अंदर कि भूत उसको बोलते हैं जो आपकी जा चुकी मेमोरी होती है। मेमोरियों से, यादों से कोई खतरा नहीं होता। यादों को अगर याद कर आप कुछ करना चाहें तो भले ही आप कर सकते हैं। भूतों को लेके बहुत ज्यादा बिजनेस दुनिया में होता है क्योंकि लोग डर जाते हैं और डर का बिजनेस पूरी दुनिया में होता है। इसलिए हैरी पॉटर जैसी जो किताबें हैं या बेताल जैसी जो बातें हैं, जो चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा बिकती हैं और हॉरर वाली जो पिक्चरें हैं भूतों की, कोई ना कोई आती रहती हैं, जिसमें ड्रैकुला वगैरह आते रहते हैं, चलते रहते हैं, क्योंकि ऐसी कल्पनाएं लोगों को डराती हैं और डर का बिजनेस पूरी दुनिया में होता है। भारत में जो तंत्र मंत्र झाड़ फूंक होता है वो पाली का शब्द है। मंत्र माने तो होता है मंत्रणा करना, यानी कि जो मंत्र होता है, मन की बात होती है, शरीर में मन का तत्व होता है, उसको मंत्र बोलते हैं। और जो झाड़ है वो बेसिकली झान बोलते हैं उसको। झान का मतलब है ध्यान लगाना होता है, और फूंकना का मतलब होता है फुट्टस से। फुट्टस से जो होता है, इस शब्द का मतलब है छूना या टच करना, यानी कि ध्यान को लेके आप जब टच करेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान में जाएंगे तो ये बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। बाद में इसको तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक के नाम से जाने लगे, मगर बुद्ध के बाद में ये ध्यान था, मंत्र था, यानी कि मंत्रणा थी, आपस में विचार विमर्श था, और फुट्टस से था, यानी कि एक दूसरे को टच करना, स्पर्श करना था उस चीज के लिए जो चीज आपको परेशान कर रही है। तो बहुत सिंपल था इसका, ध्यान में चले जाइए और ध्यान में जाते ही आपकी पुरानी मेमोरी पूरी तरह से डिलीट या खत्म हो जाती हैं, वो आपको परेशान नहीं करती, वो ऐसी कैसी आपको दिखाई देती हैं। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने YouTube पर, अपने Facebook पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या Facebook से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना
सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.